नमस्कार, प्रणाम एंड हेलो। मैं हूँ निष्पक्ष टुडे से रूपम तिवारी और आज मैं एक ऐसी ऐतिहासिक और प्रसिद्ध जगह पे आई हूँ जिसका नाम है गोरखपुर। वैसे तो गोरखपुर बहुत सी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आज जिस जगह मैं आई हूँ वो बहुत ही धार्मिक स्थल है जिसका नाम है श्री गोरक्षनाथ जी का मंदिर। वैसे गोरक्षनाथ जी का मंदिर आने का मेरा पहला कारण है ये पोष माह यानी जनवरी का महीना। जनवरी का महीना जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मकर संक्रांति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे पौष माह में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है और गोरखपुर में ये खिचड़ी नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे मान्यता है कि जब से ये मंदिर स्थापित हुआ है पहली खिचड़ी गोरक्षनाथ जी को चढ़ती है और आज तक चढ़ती आ रही है। इस समय हम मौजूद हैं गोरक्षनाथ जी के मंदिर में और आइए देखते हैं कि मेले को लेकर क्या क्या तैयारियां शुरू हो गई हैं। गोरखनाथ मंदिर का मेला अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि यह मेला एक से दो दिन का नहीं बल्कि 50 से 55 दिन लगातार चलता है, यानी पूर्वांचल की शान बन चुका है ये मेला। अभी मेला पूरी तरह लगा नहीं है, अभी तो ये मेले का आधा हिस्सा है। 14 तारीख तक ये मेला पूरा लग चुका होगा और इस मेले में नेपाल के पहाड़ों से लेके पूर्वांचल के सभी जिलों से लोग आते हैं और इस मेले का आनंद उठाते हैं। लेकिन इससे पहले लोग गोरक्षनाथ मंदिर का दर्शन जरूर करते हैं। भगवान शिव के अवतार गुरु गोरक्षनाथ जी का दर्शन किए बगैर मेला घूमना अधूरा सा लगता है। और दोस्तों, जब मेले में हम आते हैं तो यहाँ पर खाने पीने से लेकर शॉपिंग और शौक का पूरा ख्याल रखा गया है। बच्चों के घूमने के लिए और बच्चों के खेलने के लिए कई अलग अलग तरह के झूले और छोटी छोटी बाइक जिस पर बच्चे आनंद उठा सकें, और बच्चों के खिलौनों के लिए बहुत सारी दुकानें भी हैं जो बच्चों के साथ साथ बच्चों के परिवार को भी आकर्षित करती है। क्रॉकरी के आइटम, बांस और लकड़ियों से बने हुए खिलौने और दीवारों पर सजाने की चीज़ें, औरतों के लिए चूड़ियों की दुकान, कॉस्मेटिक की दुकान, पैरों में पहनने के लिए अलग अलग फैंसी डिजाइन के जूते और चप्पल भी यहाँ आपको मिल जाएंगे। इस मेले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ सभी जाति और धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और मेले का आनंद लेते हैं, और यहाँ दुकानदार भी सभी जाति और धर्म से जुड़े हुए हैं। सभी एक दूसरे के अच्छे सहयोगी हैं। आइए दोस्तों, अब अंत में आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं। मेला तो मेला है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है क्योंकि भीड़ किसी को नहीं पहचानती और ना ही संक्रमण किसी को पहचानता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि मेला जरूर आएं, लेकिन अपना सुरक्षा कवच यानी मास्क साथ जरूर लाएं, और सिर्फ साथ लाएं नहीं, इसका प्रयोग भी करें। सिर्फ दिखावे के लिए पॉकेट में ना रखें। रूपम तिवारी, निष्पक्ष टुडे, ब्यूरो।